हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सबको म्यूट कर रही हूँ मैं। कहने के बावजूद हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है वो व्याकरण के ऊपर है, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैंने म्यूट कर दिया है, कोई भी अनम्यूट ना करे अपने आप को। डाउट आपके जब लास्ट के 5 मिनट्स होंगे तब आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं जो भी डाउट होंगे आपके, ठीक है। उससे पहले मुझसे नहीं पूछेगा, ओके। चलिए आज की जो क्लास है हमारी व्याकरण की है, ठीक है। उसमें व्याकरण का टॉपिक मैं आपको पार्ट जो है मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो बाद में बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन या कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ, ठीक है बेटा। निशा कश्यप, आपको समझाने के बाद आपने अनम्यूट कर दिया, आपको मैं बाद में कॉल करूंगी। समझ नहीं आ रहा ना आप लोगों को? निधि, वेरी गुड बेटा। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा बेटा, अगर हम इसे एक शब्द में बोले संज्ञा क्या है, तो संज्ञा क्या है? सभी चीजों के नाम है। सभी चीजों के नाम मतलब, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, जब मैं क्लास में होंगी, अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपना नाम बताइए, तो आप अपना नाम बता देंगे। हो सकता है आपका नाम राम हो, तो आप कहेंगे मैम मेरा नाम राम, ठीक है। अगर मैं बच्चों को कहूं बेटा आपको अगर मैं पार्क ले जाऊं और वहां क्या क्या देखते हैं मुझे वो सब चीजें बताइए, तो बच्चे क्या बोलेंगे? मैम हमने पेड़ देखे, मैम हमने पक्षी देखे। और कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमने पानी देखा, ठीक है, वहां पे घास देखी, वहां कई जानवर भी थे वो भी देखे हमने, ठीक है। आसपास जो भी चीजें आप देखते हैं वहां पे, जैसे बच्चे के झूले झूले हैं, माता पिता अपने झूले झूले पे झूला रहे हैं, ये सब चीजें आपने देखी, तो आप बताओगे मुझे मैम ये हमने सामान वस्तुएं वहां पे देखी। तो ये सब चीजें आप कैसे पहचानते हो, कैसे पहचान लेते हो? क्योंकि आपको उन सब चीजों के नाम पता है, इन सभी चीजों के कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, तभी आप बताते हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो हम उसे स्टार्टिंग में तो क्या बोलते हैं, एक बाबू करते हैं ना, छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, 6 दिन के बाद उसका नाम रख दिया जाता है, ताकि सभी उसे उसी के नाम से पुकारे, ठीक है। सभी बच्चे, सभी लोग उसे उसी के नाम से जाने, क्योंकि अगर हम उसे बाबू बाबू कहते रहेंगे तो हो सकता है और भी छोटे बच्चे वहां पे, लेकिन अगर उसका एक नाम रख दिया, अगर मैंने उसका नाम नितेश रख दिया, तो सभी क्या कहेंगे, उसे नितेश के नाम से पहचानेंगे, ठीक है, उसे नितेश के नाम से ही पुकारेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर नई चीज है, या मैंने कोई एक फैक्ट्री बनाई है, मैं उसमें कुछ नया सामान लॉन्च कर रही हूँ, कोई नया मैंने सामान बनाया या कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो मैं उसे कुछ नाम दूंगी, ताकि वो प्रोडक्ट सबसे अलग हो जाए, एक अलग नाम मिले। जैसे आप जाते हैं शॉपिंग करने, तो कई ब्रांडेड चीजें आप देखते हैं उसके उसके नाम से। अगर आप साबुन लेने जाते हैं, तो आपको बहुत तरह के साबुन मिल जाएंगे, सोप, बहुत सारे तरह के सोप मिलेंगे, लेकिन आप कहते हैं हमें लक्स चाहिए, हमें लाइफबॉय चाहिए, हमें डिटॉल चाहिए, तो आप ऐसे करके एक पर्टिकुलर साबुन को खरीदते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसका एक नाम है, आप उस नाम को बोलते हैं और वही साबुन ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है, इसी को कहते हैं संज्ञा। अगर हम संज्ञा को परिभाषित रूप से देखें, तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। हम एक पिक्चर शेयर करेंगे आपके साथ, एक ये नहीं है, एक सेकंड रुको बेटा। हाँ जी, हाँ जी, देख पा रहे हैं सभी, ठीक है। ये है वह शब्द जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण का, भाव का आदि के नाम का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। अब कैसे समझे इसे? कि व्यक्तियों के नाम, ठीक है, जैसे इंसानों के नाम होते हैं, ठीक है। हम जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या उसका नाम रख दिया जाता है, तो है ना, जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन सबके नाम है ना, कुछ ना कुछ तो नाम थे, तभी तो हम पहचानते हैं।
अगर हम हीरो हीरोइनों को ले ले तो उसमें क्या है, अपना सलमान खान, ये सब सबके नाम है ना, उसी से पहचानते हो ना आप इजीली। अगर मैं सलमान खान बोलूंगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है, तो आप व्यक्तियों के नामों से संज्ञा को पहचान सकते हैं। ऐसी ही वस्तुएं होती है, अगर आपके घर के आसपास बहुत सारा सामान होगा तो आप बता, मैम ये मोबाइल है, मैम ये पेन है, मैम ये सब चीजें हैं, तो वो वस्तुओं के नाम है। क्यों रखा जाता है? ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ सके। ऐसे स्थान के नाम, अगर आपको कहीं जाना है घूमने तो आप बताते हो ना मैम कि हमें यहाँ जाना है, हमें आगरा जाना है, हमें शिमला जाना है, तो स्थान के नाम, ठीक है। तो सभी चीजों के नाम, चाहे उसमें व्यक्ति के नाम हो, प्राणियों के नाम हो, जानवरों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, स्थान के नाम हो, या गुण, हमारे भाव, हमारे भाव क्या है जो हमें दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस होते हैं, जैसे हमारी अच्छाई, हमारी, ठीक है, हमारी बुराइयां वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन वो हमसे देख नहीं सकते, ठीक है। बचपन, अब बचपन को आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो नहीं, ठीक है। आदि के नाम क्या है, ये सब हमें सब बोध जो कराते हैं। कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब एक सेकेंड, एक पिक्चर और शेयर करो। हाँ, जैसे अब बहुत सारी चीजों के नाम, मैंने यहाँ फोटो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कूलर है, पंखा है, टीवी है, मोबाइल है, स्कूटर है, कार है, ग्लास है, पानी है, शहर है, गांव है, देश, राम, चीता, पुस्तक, मेज, गाय, कुत्ता, इंग्लैंड और सड़क, ये सब क्या नाम है, नाम क्या है, सभी वस्तुओं के, सभी चीजों के नाम हमारी संज्ञा कहलाती है, ठीक है। एक अगर परिभाषित रूप से देखें तो संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। मैम मेरे में लोड नहीं हो पा रहा, एक सेकंड, मैंने अनम्यूट कर दिया, मेरे में लोड नहीं हो पा रहा। तो मैम आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। हाँ जी, चलिए ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब क्या समझ आया आपको, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उन सबका क्या है, उन सबके कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है, उन सबके हमने कुछ ना कुछ नाम रखे गए हैं ताकि हम उन चीजों को पहचान सके, तो उसी को हम कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा के कुछ भेद भी है, संज्ञा के पांच भेद होते हैं, कितने होते हैं, पांच। पहला कौन सा है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, चौथा है हमारा द्रव्यवाचक और पांचवा है हमारा समूहवाचक। अब हम एक एक संज्ञा को, बेटा किसी ने रिपीट नहीं करना, ठीक है, अभी सुनिए, लास्ट में आपका डाउट जो होगा मैं उसे सबसे पूछूंगी कि आपको कोई परेशानी है, कोई चीज जो समझनी है वो बाद में बताइएगा, अभी आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं एक स्क्रीन फिर शेयर कर रही हूँ आपके साथ बच्चे, क्लास अगर खत्म हो जाएगी तो आपने दोबारा इसी पे जाके ज्वाइन करना है सभी बच्चों ने, दोबारा जल्दी से। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अभी मैं पिक्चर्स ऑन कर रही हूँ, ठीक है। मैम आज क्लास होगी, सभी म्यूट करिए। एक सेकेंड, थोड़ा मैं कुछ
एक सेकंड बस हो गया, इशू आ रहा है इशू। ठीक है, हाँ तो हम थे एक सेकंड व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सभी को फोटो दिख रही है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ गांधी जी, तो आप आपकी आप कल्पना किनकी करेंगे? गांधी जी, चश्मे वाले गांधी जी की, है ना? ठीक है, मैं अगर आपसे मैं कुछ और महान व्यक्तियों के नाम बोलूंगी तो आप पहचान लेंगे उन्हें। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी, अगर मैं आपसे बोलूंगी शेर, तो आप शेर कोई एक शेर की कल्पना करने लगेंगे। ठीक है, और विशेष स्थान अगर मैं कहूंगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्थान के बारे में आगरा, तो आप आगरा के बारे में, आगरा के ताजमहल या आगरा के बारे में इमेजिन करेंगे। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आगरा, ये क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। अब इसमें एक फोटो और शेयर करूंगी मैं आपके साथ, आप अच्छे से समझ पाएंगे उसे। हाँ, यहाँ देखिए, आप देखिए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ही आपकी नदियां हैं। ठीक है, पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है व्यक्तिवाचक संज्ञा? ठीक है, क्योंकि यहाँ गंगा बोल रही हूँ मैं, गंगा, अगर मैं गंगा नदी बोलूंगी तो आप सिर्फ गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, अगर मैं यमुना नदी बोलूंगी तो आप सिर्फ यमुना नदी के बारे में बात करेंगे, कृष्णा बोलूंगी तो सिर्फ कृष्णा नदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको बोलती हूँ नदी, तो नदी में तो कोई सी भी नदी की बात कर सकती हूँ ना मैं। लेकिन अगर मैं यहाँ नाम ले रही हूँ कि सिर्फ गंगा नदी, गंगा नदी, तो वहां गंगा नदी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही और भी कुछ चीजें हैं, आप यहाँ देखिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत आदि नगरों के नाम है। ठीक है, पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, विशेष मतलब अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ नगर, तो नगर तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कहा है कि आप दिल्ली नगर में रहिए, तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ दिल्ली की। ठीक है, तो सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर एक चीज का नाम लेते हैं हम, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन अगर मैं नगर बोलूंगी, तो नगरों में से मैं कहूंगी सभी बच्चे कहीं किसी भी नगर में जाके रह लो, तो नगर तो बहुत सारे हैं, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, लखनऊ भी है, सोनीपत भी है, तो कहीं पे भी जा सकते हैं ना। लेकिन मैं कहूंगी नहीं सिर्फ सोनीपत जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ सोनीपत ही जाएंगे। तो अगर मैं किसी एक चीज का नाम लेती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक है, अगर मैं नगर बोलूंगी तो वो दूसरी आगे संज्ञा के अनेक भेद है उसमें से एक। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब मैं एक कुछ फोटो और दिखाना चाहूंगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे, एक सेकेंड, दूसरा फोटो। मैम मेरे में डाउट है जी, बोलिए बेटा। अब आपको देख रहे हैं? हाँ जी। अब ये देखिए, जैसे देखिए देखिए देखिए, जैसे महाभारत है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है आदि, ये सब क्या है? हमारे ग्रंथ। हम क्या कहते हैं? हमारे महान ग्रंथ है। अगर हम महान ग्रंथों में महान ग्रंथों की बात करें, तो उनमें हमारे महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद आदि ये सब ग्रंथ आते हैं। पर क्योंकि इनके नाम विशेष बताए जा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं ग्रंथ बोलूंगी तो ग्रंथ में तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूंगी बच्चों सब कल रामायण पढ़ के आएंगे, तो आप सिर्फ रामायण पढ़ के आएंगे। अगर मैं कहूंगी सभी सारे ग्रंथ पढ़ के आएंगे, तो सारे में महाभारत भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे, वेद भी पढ़ेंगे, उपनिषद भी पढ़ेंगे, आप सारे ही ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो एक सेकंड और एक चीज और दिखा, मैं कुछ पूछना ना, एक सेकंड आखिरी में पूछना बेटा, जो भी पूछना है। ठीक है, अभी आप नोट करके लिखिए, आपके जो जो डाउट है मैं दोबारा समझाऊंगी सारा। ठीक है, हाँ जी, म्यूट करिए। ओके मैम, खत्म हो गया। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, ठीक है, आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, महीनों, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन अगर हम दिन बोलेंगे तो दिनों के नाम दिन नहीं बोलेंगे, हमें एक नाम बोलना पड़ेगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, ऐसे त्योहार हम त्योहार नहीं बोलेंगे,
त्योहार में हमें होली दिवाली एक नाम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझे, सिर्फ जहाँ एक नाम की बात हो, ठीक है, वो क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन भी बच्चों ने म्यूट नहीं करा, म्यूट करिए बेटा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे अब मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि अगर गंगा, कावेरी, ठीक है, यमुना, ये सब क्या है, हमारी नदी है। लेकिन अगर गंगा आएगा तो क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं कहूंगी नदी, मैं कहूंगी नदी के बारे में सोचो, तो आप कोई बच्चा सोचेगा कावेरी नदी के बारे में, कोई सोचेगा गंगा नदी के बारे में, कोई यमुना नदी के बारे में सोचेगा, तो कोई सरस्वती नदी के बारे में सोचेगा, ठीक है। सब अलग 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 नदियों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगी सिर्फ गंगा के बारे में सोचो, तो आप सब गंगा के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है बेटा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां पर हमें जातियां मिलती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ गुलाब, तो गुलाब तो एक है ना, गुलाब तो एक ही फूल है। लेकिन मैं कहूंगी आप फूलों के बारे में सोचो, तो फूल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा गुलाब के बारे में सोचेगा, कोई अनेक प्रकार के फूल के बारे में सोचेगा, ठीक है, सब अलग अलग फूल के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगी सब गुलाब के बारे में सोचो, तो सिर्फ गुलाब क्या है हमारा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं फूल बोलूंगी, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। मैम अगर क्लास खत्म हो गई तो क्या दोबारा लॉग इन करना है उसी पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बच्चे। ठीक है, यहाँ देखिए आप सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे, देखिए हाँ जी सभी देखेंगे यहाँ पे हिमालय, विध्याचल, अल्पस आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पर जब हम केवल पहाड़ बोल देंगे, अगर मैं कहूंगी पहाड़, तो पहाड़ में तो कुछ भी आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, अल्पस भी आ सकता है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक का नाम लूंगी, तो वो क्या है हमारी, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पहाड़ बोलूंगी, तो पहाड़ क्या है हमारा, पहाड़ में कुछ भी आ जाए, कोई सा भी पहाड़ आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ दिनों के नाम, मैं वो दिनों के नाम लिखो, तो आप सारे नाम लिखेंगे। मैं कहूंगी सिर्फ सोमवार लिखो, तो आप सोमवार लिखेंगे, ठीक है बेटा। 12 बजे तक क्लास होगी, 12 बजे के बाद दोबारा होगी क्लास। अब अगर मैं महीनों के नाम बोलूं, और त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, नगरों के नाम, पहाड़ों के नाम, हिमालय, ये सब क्या है, सब अगर मैं सिर्फ पहाड़ बोलूं, तो पहाड़ में हमारी जाति आ जाएंगी, क्योंकि अनेक प्रकार की, ठीक है। लेकिन अगर एक पहाड़ का नाम बोलूं, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक अंतर ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक नाम होगा, लेकिन जाति में उसकी पूरी जातियां होंगी। जैसे व्यक्तिवाचक में आपका, अगर मैं गुलाब कहूँ तो व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर मैं फूल कहूँ तो फूल की तो बहुत सारी जातियां हैं, तो वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे सोमवार बोलूँ, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर मैं दिनों के नाम बोलूँ, तो वो आपका जातिवाचक में आएगा। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली बोलूँ, तो व्यक्तिवाचक में आएगा, और मैं नगरों के नाम बोलूँ, तो वो आपका जाति में आएगा, क्योंकि नगरों में तो बहुत सारे नगर आ जाएंगे। ऐसे अगर मैं होली बोलूंगी, तो वो त्योहार में किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर मैं त्योहारों के नाम बोलूंगी, तो वो आपका जातिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार से देशों के नाम, अगर अमेरिका बोलूंगी तो व्यक्तिवाचक में आएगा, और देशों के नाम बोलूंगी तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, ठीक है। एक सेकंड, एक बार ये पांच भेद देख लो आप, संज्ञा के पांच भेद हैं। व्यक्तिवाचक मैंने पढ़ा दिया आपको, जातिवाचक भी पढ़ा दिया, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यह है भाववाचक संज्ञा,
देखिए बेटा जी, जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब हमारे इमोशन, ठीक है। अगर ठीक है तो भाव क्या, हमारे इमोशन है और इनको हम ना देख नहीं सकते बेटा, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने अब बचपन को देख सकते हो, अभी नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो, मैंने ये किया था बचपन में, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, तो सिर्फ इसे आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर परिभाषा मैंने आपको बता दी इसकी क्या है, एक बार दोबारा सुनेंगे। भाववाचक संज्ञा प्रधातों की अवस्था, उनके गुण दोष, उनके धर्म आदि का बोध कराती है। कैसे? बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट।